स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स फ्रॉम कैपलर्स लॉ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कैपलर्स लॉज, ठीक है। तो उन कैपलर्स लॉज से न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंक्लूजन न्यूटन ने क्या निकाला फ्रॉम कैपलर्स लॉज, ठीक है। तो एज न्यूटन सेड, क्या कहा है न्यूटन ने, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ स्टेट दैट, यूनिवर्सल लॉ में न्यूटन ने कहा था कि ये न्यूटन क्या था, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस क्या है आर बिटवीन them, ओके। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हमने दो पॉइंट पढ़े थे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो वही वाला लिखा है हमने, द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो न्यूटन्स ने लिखा था इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल। द क्वेश्चन इज हाउ डिड न्यूटन गेट्स इनवर्स स्क्वायर रूल, अपने मन से तो नहीं लिख दिया होगा, कहीं से तो मिलाया होगा, कहीं से मिला होगा ना। तो क्वेश्चन है हाउ डिड न्यूटन गेट्स इनवर्स स्क्वायर रूल, उनको कहां से मिला, न्यूटन को कहां से मिला, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर रूल हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक पार्ट है ना ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो कहां से मिला, ठीक है, वही आज पढ़ेंगे हम, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, फॉर दिस न्यूटन ने क्या मान लिया, फॉर दिस न्यूटन एज्यूम्ड, ही सपोज द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर आपने तो कल बताया था इलेप्टिकल ऑर्बिट, तभी तो लिखा है assumed, supposed, मान लो कि इलेप्टिकल ना होके कैसा है, सर्कुलर है, तो ये सन है आपका, एंड दीज आर द, दिस इज व्हाट अ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड, वैसे तो सर इलेप्टिकल ऑर्बिट ही है, बट न्यूटन एज्यूम, लेट सपोज ही सपोज दैट कि प्लेनेट जो है वो इलेप्टिकल की जगह किस में है, सर्कुलर में है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आर, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक प्लेनेट हो गया एक सन हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया आर, और इस ऑब्जेक्ट का लेट सपोज मास है एम, और इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो है वेलोसिटी बी, क्योंकि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग ना कंटिन्यूअसली, तो कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो मान लीजिए बी है, इतना तो उन्होंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। नाउ सेंट्रीपीटल फोर्स हमने पढ़ा है, याद आया, सेंट्रीपीटल फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ, तो जो सन इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा ना इस प्लेनेट के ऊपर, ठीक है, तभी तो ये प्लेनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जो वट एवर द सेंट्रीपीटल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है,
सेंट्रीपिटल फोर्स हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूं. द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट. किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स. उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ मास ऑफ द प्लैनेट रख देंगे, यहाँ वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रखेंगे, और यहाँ उस प्लैनेट की दूरी फ्रॉम द सन. तो हमें पता चल जाएगा कि वाट हाउ मच फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स उस प्लैनेट के ऊपर लग रहा है. तो फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर? मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन. इतनी बात समझ में आ गई? ओके. तो सर इसको हम लिख देंगे एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक? ओके. है ना? नाउ इक्वेशन नंबर वन. नाउ इफ द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन एंड कंप्लीट वन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है ना? टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इट टेक्स टाइम टी. ठीक है? मतलब क्या हुआ कि ये जो सन है इसके चारों तरफ ये घूमने में एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? टाइम पीरियड इज टी टाइम ले रहा है. ठीक है? तो टाइम है टी. ओके. और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये सर्कुलर ऑर्बिट? इसी इतना ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो डिस्टेंस कितना हो गया यहां पर? सर्कमफ्रेंस. यहां से चलना स्टार्ट किया और लौट के वापस यही आ गया, एक रिवॉल्यूशन हो गया टी टाइम में, और टू पाई आर डिस्टेंस कवर किया. कितना कवर किया? टू पाई आर. ठीक है? ओके. तो एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर किया है? टू पाई आर. और कितने टाइम में? टी टाइम में. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके. चलो यहां रख देते हैं. ओके. स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप b इज इक्वल टू टू पाई आर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. इतना? ठीक है? नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर. ओके. तो हमने इक्वेशन वन में क्या पढ़ा है? एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. यहां पर हम इस बी स्क्वायर की वैल्यू कहां रख देंगे? यहां. ठीक है? ओके. क्या लिख रहा हूं मैं? ओके. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन वन. तो इक्वेशन वन पहले क्या है वो लिख लो. इक्वेशन वन है एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. यही तो है इक्वेशन वन. अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर की. तो एफ इज इक्वल टू एम अपॉन आर इन टू बी स्क्वायर. क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई आर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है? ओके. सॉल्व करेंगे. एम देखो इस पूरे का स्क्वायर है ना, तो खुलेगा फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे आर और टी स्क्वायर. इस आर से एक आर कैंसिल, हमें मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू फोर पाई. ठीक है? और एम आर अपॉन टी स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक समझ में आ गया? 4 पाई एम आर अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है? क्लियर?
अब क्या करना है? करना है मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर एंड डिवाइडिंग आर स्क्वायर इन राइट साइड, राइट हैंड साइड। आर एच एस में आपने क्या करा? एफ इज इक्वल टू 4 पाई m r/t² इतना है। आपने मल्टीप्लाई करा आर स्क्वायर का और डिवाइड करा आर स्क्वायर का। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो उसके आगे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा 4 पाई m, आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएंगे, क्यू, आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, और अपॉन टी स्क्वायर। ये थोड़ा सा बस मैंने रीअरेंज करें, बात एक ही है, टी स्क्वायर आर स्क्वायर लिखो तब भी एक ही बात है। अरे 2 × 3 लिखी है या 3 × 2 लिखी है, एक ही बात तो है, आएगा तो 6 ही ना। तो मल्टीप्लीकेशन जगह चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये मैं कर इसलिए रहा था, वी नो फ्रॉम कैपलर्स लॉ, फ्रॉम कैपलर्स थर्ड लॉ, आगे बात कैपलर्स लॉ की है ना, तो न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल विद द हेल्प ऑफ कैपलर्स लॉ आइडेंटिफाई किया था, समझ गए। तो फ्रॉम कैपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या मालूम है कि आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो लेट सपोज, देखो एफ इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना, इतना क्या है कांस्टेंट फ्रॉम कैपलर्स लॉ। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली? कांस्टेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू, फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर। तो देखिए 4 फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ द प्लैनेट फिक्स्ड है, रेडियस दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सन फिक्स्ड है, ये सारी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जब पूरा फिक्स्ड है तो ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ठीक है। ये इतना तो आपको मिलेगा कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर इनटू कांस्टेंट। तो फाइनली वी हैव कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, अब कांस्टेंट हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। ये न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया विद द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। कैपलर्स थर्ड लॉ की मदद से ही न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, ठीक है। इसीलिए हमारा स्टार्टिंग, अब मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, यहां से स्टार्ट है, ये जो यूनिवर्सल लॉ है मतलब कैपलर्स न्यूटन्स का सेकंड पार्ट जिसको हम इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं, कहां से मिला, हाउ डिड न्यूटन गेट दिस इनवर्स स्क्वायर रूल, यही तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, डेरिवेशन करना इसी का। ओके, ये बात समझ में आई कि उन्होंने एक चीज अज्यूम की, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले याद रखनी है कि न्यूटन ने एक चीज सपोज की थी कि द प्लेनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ, जहां रेडियस है आर, ठीक है, मास है ऑब्जेक्ट का एम प्लेनेट का, और वेलोसिटी है बी। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv² / r, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्होंने क्या किया कि अगर वो ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो एक अगर रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है टी, और 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो होता है ना ये 2 पाई आर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक। ओके, फिर हमने क्या किया,
वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, ये बी स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली बी स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में रख दी। तो फिर से हमने इक्वेशन नंबर वन लिखी है, ये इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है, इसमें बी की वैल्यू सेकेंड से इक्वेशन से यहाँ रख दिया। सॉल्व करेंगे, एम देखो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एम आर। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो रही है, बस ये स्क्वायर है। ठीक, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, फिर क्या किया, ये भी स्क्वायर है। अब उन्होंने आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे डिवाइड किया। ठीक है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर इन राइट हैंड साइड कर लिया। तो ऊपर तो हो गया आर क्यू ये रहा, और ये टी स्क्वायर नीचे ले आए, क्योंकि देखो आप सोच के हमने इसको रीअरेंज क्यों किया है, क्योंकि हमने ये कांस्टेंट शो करना था, हमने कैपलर फ्लो में तो ये पढ़ा है ना, समझ रहे हैं, इसलिए आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है, यूँ समझ लीजिए आप। ठीक, ओके, अब ये कांस्टेंट है क्योंकि देखो 4 पाई एम इनकी सबकी वैल्यू फिक्स है, तो कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो फिर ये मिल गया कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इनवर्स स्क्वायर रूल, और इसी को बोलते हैं डेरिवेशन, है ना, डेरिवेशन भी बोल देंगे या फिर बोलेंगे मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलो या फिर डेरिवेशन बोलो। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है ग्रेविटी, फिर क्लियर हो जाएगा आज का काम। ओके, नाउ द वर्ड इज ग्रेविटी। इसको पढ़ने से पहले एक बात समझनी है कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ओके, इट इज अ फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। ओके, टू ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल, दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इफ वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, अगर जैसे इसका ये एफ है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब अगर हम सिंपल बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, और फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अगर उसमें से एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया जाए कि अर्थ है, ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो अर्थ के ऊपर ही होगा, जैसे हम लोग कार मोटरसाइकिल घर कुछ भी। ओके, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, एक अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब किसी अर्थ और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के बीच में होता है तो ये वाला फोर्स कहलाता है ग्रेविटी। ठीक है, तो एक ही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट, हर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी। समझ गए, तो ग्रेविटी की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी यहां पर। पहली बात तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो तो एक ये तो जी तो रहेगा ही रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट मास m1, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ कैपिटल से शो कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिक्स कर दिया ना, एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ है ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फिक्स हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल m से शो कर दिया, अपॉन आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये है और ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है, और इस m का मतलब है अर्थ मास, समझ गए, है ना, फिक्स कर दिया ना, एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ है या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए m1 m2 लिखा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, या एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। ठीक है, ओके, तो हमें डेफिनेशन मिल जाएगी, दैट इज द फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, यही तो पढ़ा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। जब अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, एंड द ग्रेविटी, ये जो एफ है ग्रेविटी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, ये तो समझाने के लिए मैंने समझाया था, ये है ठीक, ग्रेविटी फॉर्मूला। डन, थैंक यू।